हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं फॉर आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम, तो उसकी आज क्लास 5 है। एंड इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका फ्लोर बेस्ड पजल। सो फ्लोर बेस्ड पजल में हम लोग को एक टॉपिक अंदर पढ़ने को दिया जाता है जो कि होता है वैकेंट फ्लोर। ठीक, इसके अलावा इस पे जो फ्लैट बेस्ड वगैरह होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैकेंट फ्लोर, किस टाइप से इस क्वेश्चंस को करना चाहिए और किन किन स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी वर्क इस पर करा जा रहा है, जितने मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं, पूरी वीडियो को बनाई जाती है, उसका रिस्पॉन्स 10% भी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, एक फ्री कोर्स है, तो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड यहाँ पर आप देखोगे तो आपके जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से कवर हो चुके हैं, यहाँ तक कवर हो चुके हैं। ठीक, अब आपका वैकेंट फ्लोर है। देखो ये जो मैंने शेड्यूल बनाया था, ये मैंने डेट वाइज बनाया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर एक आध दिन पीछे हो आगे पीछे हो जाता है तो प्लीज़ आप इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा, ये आपकी जो लाइन है ये आपकी सीधी चलती जाएगी। ठीक, इनमें आगे पीछे नहीं होगा, मे बी आपकी एक आध डेट क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पर वीडियो पर नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर कनेक्टिविटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वजह से नहीं पढ़ पाता है, लेकिन आप लोगों का जो ये सीरीज़ है ये आपकी कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक, सो फिफ्थ क्लास जो है वो है आपकी वैकेंट फ्लोर की, इसके बाद हम देखेंगे फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पर मैंने वैसे कोशिश करी है कि इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हो मैं इन दोनों ही लैंग्वेज में रखूँ, क्योंकि आरआरबी में आपका ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करते हैं और आरआरबी वाले भी जो हैं वो आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं और वो जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो हिंदी में करते हैं, बाकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को वो लोग अलग रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फिर मैंने दोनों ही मीडियम वालों के लिए रखा है। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5 persons हैं, ए बी सी डी एंड ई लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 7-story बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, नो 2 person लिव ऑन द सेम फ्लोर। तो यहाँ पर आपको 7 floor बना रहे हैं, कोई एक 7-story बिल्डिंग है जिसमें आपके 7 floor होंगे, लेकिन इस फ्लोर में आपके 5 person रहते हैं। ठीक, यानी कि 2 आपके कैसे होंगे, वैकेंट होंगे। तो यहाँ से हम वीडियो का जो नेक्स्ट स्लाइड है उससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, जैसे कि 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक, देखो आप हमेशा से ध्यान रखेंगे, वैसे तो इस क्वेश्चन में तो इतना नहीं है, जबकि इसका जो बाद वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके 2 statement वैकेंट फ्लोर में लेकर चलते हैं कि there are 2 floors between A and B. A lives on top floor. ठीक, ए जो है वो टॉप फ्लोर पे है, ये आप दोनों कंडीशन में ले लेंगे, यहां वाली कंडीशन में भी, और यहां की कंडीशन ये है कि there are 2 persons between ए एंड बी। ओके, अब दोनों ही कंडीशन में जो ए है वो आपका टॉप पे है। ठीक, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड है, ये आपकी फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि there are 2 floors बिटवीन ए एंड बी, 2 floor जो हैं वो ए और बी के बीच में हैं। तो ए अगर आपका 7 पे है तो 6 और 5 का गैप करके आपका भी कहाँ आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब इसकी बात आती है जिसमें गिवन है there are 2 persons बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें आपका बी जो है 1 और 2 का गैप करके बी यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ आता है तो 1, 2, 3 का गैप करके बी यहाँ भी आ सकता है, और ए यहाँ आता है तो 1, 2, 3, 4 का गैप करके बी यहाँ भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी पता है कि इसमें
क्या हैं, दो फ्लोर आपके वैकेंट हैं, ठीक। तो अगर आपका ए और जो बी है इनके बीच में दो पर्सन है, यानी कि यहाँ पर क्या बैठेंगे, पर्सन ही बैठेंगे, बीच में वैकेंट नहीं आएगा, और ए और बी के बीच में जब आपने 3 फ्लोर का गैप दिया है तो इनमें से किसी दो में पर्सन होंगे, एक वैकेंट होगा, ठीक। ये वाला वैकेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही जब यहाँ पे 4 फ्लोर बीच में है तो किसी दो पर आपके पर्सन आ जाएंगे, और 2 फ्लोर जो है वो कैसे हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, तब भी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपका ए और बी के बीच में दो पर्सन है। तो आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आपकी फ्लोर की बात आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पर्सन की बात आती है तो अगर जितने पर्सन का गैप उन्होंने बोला है उतने ही पर्सन का गैप अगर आप दे रहे हो तो आपको उनके बीच में वैकेंट नहीं देना है। अगर आप गैप जो है वो वैकेंट के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उनके बीच में आपको कितने वैकेंट देने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने 3 का गैप दिया है तो आपको खाली एक वैकेंट रखना, यहाँ पे रखना है। यहाँ पर जब आपने 4 का गैप दिया है तो आपको दोनों वैकेंट इनके बीच में देने हैं। तो ये क्वेश्चन को करते समय आपको पूरा ध्यान में रखना होता है, ठीक। तो बस यही कुछ बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है वैकेंट में। बाकी थर्ड एबब, फोर्थ एबब, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि इसका क्या फंडा होता है, तो आई होप आपको वो तो समझ आ गया होगा, है ना। तो अब इसको हटा देते हैं, आई थिंक। अगर आप लिखना चाहो, इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, खाली एक ये पॉइंट बना लेना, ये पॉइंट बना लेना, और इसके अकॉर्डिंग इस टाइप का एक डायग्राम बना लेना। देखो जितना रफ लिखोगे उतना ही समझ में आएगा, बहुत सुंदर सुंदर लिखना, फेयर फेयर बनाना कभी समझ में नहीं आता है, ठीक। एकदम रफ सा बनाया करो, और इस तरीके से बनाया करो डायग्राम वगैरह बनाकर, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, ओके। ओके, पहला गिवन है ई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ई जो है वो इवन पे नहीं आएगा, यानी कि ई जो है वो कहाँ पर आएगा, ऑड पर आएगा, ठीक। देन डी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो ए। अब 2 फ्लोर्स बिलो यानी कि ए आएगा, एक फ्लोर का गैप होगा और डी आएगा। 2 फ्लोर्स बिलो मतलब सेकेंड नंबर पे, ठीक, ना कि 2 फ्लोर का गैप। आगे कह रहे हैं सी लिव्स अबव ई बट नॉट इमीडिएटली अबव सच दैट एटलीस्ट 1 पर्सन्स लिव बिटवीन डैम। इन्होंने ये कहा है कि सी जो है वो ई से अबव आएगा लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं आएगा, और आपका एटलीस्ट यानी मिनिमम आपका एक जो है वो पर्सन इनके बीच में आएगा या एक से ज्यादा आएगा। ध्यान रखें कि पर्सन के बारे में ये लोग कह रहे हैं, ना ही आपका फ्लोर के बारे में, ठीक। देन बी लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर एंड ए हु निदर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर नॉर द बॉटम मोस्ट फ्लोर लिव्स इमीडिएटली बिलो बी। तो बी जो है वो कैसे आएगा, एक प्राइम नंबर पे आएगा, ठीक है, और ए जो है वो आपका ऑड पर आएगा, ठीक, क्योंकि निदर लिव्स ऑन इवन नंबर यानी कि ऑड पर आएगा लेकिन 1 पर नहीं आएगा, ये आपको फिक्स करना है, ठीक है, और इसके इमीडिएटली बिलो आएगा। देन देयर आर लेस देन 4 फ्लोर्स बिटवीन 2 वैकेंट फ्लोर। तो जो आपके 2 वैकेंट फ्लोर हैं, लेस देन 4 यानी कि या तो आपके 3 होंगे या 3 से भी कम होंगे वैकेंट फ्लोर के बीच में, दोनों वैकेंट फ्लोर के बीच में। तो अब आप इसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो बी से स्टार्ट कर लो, बिकॉज बी के बारे में गिवन है कि बी जो है वो प्राइम नंबर पे आएगा, है ना। उसके नीचे फिर ए आएगा, वो ऑड पर आएगा लेकिन 1 पे नहीं आएगा, और फिर ए और डी के बीच में 1 का गैप आएगा जिसमें आपका ए ऊपर रहेगा, है ना। तो अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपसे ये, सॉरी, जैसे कि आपसे ये कहा गया है कि ए, ठीक है, ए जो है वो इमीडिएटली बिलो है बी के, ठीक। ए जो है वो इमीडिएटली बिलो है बी के, उसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी दोनों आपके कंजिक्यूटिव फ्लोर पर आएंगे, इनके बीच में भी वैकेंट हो सकता है। कैसे, जैसे कि अगर मान लो बी लिखूं फिर वैकेंट आ जाए और फिर ए आ जाए, तो आप देखोगे कि बी जो है और ए जो है इनका कनेक्शन क्या बनेगा, ए जो है वो अभी भी बी के इमीडिएटली बिलो ही रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पे ए जो है वो बी के इमीडिएटली बिलो है, ना कि ए का फ्लोर बी के इमीडिएटली फ्लोर के बिलो है, सॉरी, ना ही ए का फ्लोर जो है वो बी के फ्लोर के इमीडिएटली बिलो है, ठीक। दोनों में डिफरेंस है जब वो ये बोले कि ए जो है वो बी के नीचे है, यानी कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन बात हो रही है, लेकिन जब वो ये बोले कि बी का फ्लोर और ए का फ्लोर, तो वहां पे फ्लोर की बात होती है, ठीक। तो अगर यहाँ पर आप अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलो कि बी के नीचे ए आएगा, तो आप देखो यहाँ पे कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं होगी, क्योंकि बी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक। तो अगर मैं बी को 7 पे रखती हूँ तो ए जो है वो 6 पर आएगा, लेकिन ए को तो हमें और देना है। बी को अगर मैं 5 पे रखती हूँ तो ए जो है वो 4 पर आएगा, लेकिन ए को आपको और देना है, 4 इवन है। बी को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 3 नंबर पे, तो आपका ए जो है वो 2 को दिया जाएगा, वो नहीं दिया जा सकता, है ना। तो इस हिसाब से तो आपका ये कंडीशन कंप्लीट ही नहीं होगी, तो आपको लगेगा कि ये जो है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है।
अब आप जो है बी आपका 7 पर देते हो तो आप एक वैकेंट दे के ए जो है वो 5 पे दे सकते हो, बी जो है अगर 5 पे देते हो तो एक वैकेंट दे के आप ए जो है वो 3 पर दे सकते हो। ठीक, अब इसके अलावा इसको हटा देंगे। देन गिवन है कि आपका ए और डी के बीच में एक फ्लोर का गैप है ना, ये फ्लोर का गैप है। यस, ये ए जो फ्लोर का गैप है और फिर डी आएगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा, इस कंडीशन में डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये देखो दोनों वैकेंट के बीच में 3 का या फिर 3 माइनस का गैप है ना, तो फिर वो एक वैकेंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो अभी रुक जाते हैं, है ना। ये हो गया, ई जो है वो ऑड पर आएगा, सो ई आपका ऑड पर आएगा तो ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में, सेकंड वाले डायग्राम में ई टॉप पर रहेगा क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं। ओके अच्छा, ई के ऊपर सी आएगा, राइट, ई के ऊपर सी आएगा और इनके बीच में मिनिमम आपका एक पर्सन आएगा, तो ई के ऊपर सी तो जा ही नहीं सकता इस वाले डायग्राम में, तो ये तो कट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मिनिमम इनके बीच में एक पर्सन आएगा, तो सी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, और जब सी यहाँ पे नहीं आ सकता तो सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये हो गया सी। देन दोनों वैकेंट के बीच में आपका 3 या -3 का गैप होगा, तो दोनों वैकेंट यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरा वैकेंट आपका 2 को दिया जाएगा बिकॉज और कोई स्पेस है नहीं, तो इनके बीच में कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये भी हम कट कर देंगे। ठीक, तो ये था इसका एक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, छोटा सा ट्रिकी सा, काफ़ी सारी बातें भी जानने को मिली होंगी, तो बताइएगा इसका फीडबैक ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा, कई बार तो क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उनको इरेज करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसको पूरा बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग जो रिस्पॉन्स है उसी तरीके का दिया करिए। तो फर्स्ट है कौन कौन से फ्लोर जो है वो वैकेंट है, तो 2 एंड 6 है ना, 6 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, देयर आर डैश नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने फ्लोर हैं, 1, 2 एंड 3 फ्लोर हैं, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग लिव बिटवीन वैकेंट फ्लोर, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए। ओके चलिए, इसका एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पढ़कर देख लीजिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं आपके 7 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर लिविंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर सच दैट 1 फ्लोर रिमेन्स एम्प्टी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 7 पर्सन हैं जो कि 8 फ्लोर बिल्डिंग में रहेंगे, एक फ्लोर जो है वो खाली होगा, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके अब देखते हैं, यहां पे गिवन है देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड ई लिव्स। यहां पे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका 4 फ्लोर बीच में आएंगे, किसके बीच में, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में 4 फ्लोर आएंगे, एंड इसके जस्ट आगे वाली लाइन ये है कि डी लिव्स एबव ई, डी जो है वो ई से एबव रहेगा, ई के बारे में ये कह रहे हैं ई डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ई जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, तो ई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा तो ई यहाँ पर आता है, तो 1, 2, 3, 4 का गैप करके डी यहाँ पर आएगा, ई जो है वो यहाँ पर आता है तो डी जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, देन नेक्स्ट है 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच बी और एफ लिव, तो आपका बी और एफ के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे ये लोग पर्सन की बात कह रहे हैं, तो दोनों में आप डिफरेंस बनाकर चलेंगे कि कब फ्लोर कह रहे हैं कब पर्सन कह रहे हैं, तो आपको अपने जो हिंट बना रहे हो उसमें भी डिफरेंस बनाकर चलना है फ्लोर एंड पर्सन का, तो बी दोगे, 2 डॉट दोगे और यहाँ पर एफ लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पर आपको बी और एफ के बीच में पर्सन का गैप देना है। ठीक, देन नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन बी एंड ए आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन बी एंड वेकेंट फ्लोर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बी एंड ए के बीच में जितने पर्सन रह रहे हैं वो ज्यादा हैं किससे, बी एंड वेकेंट फ्लोर के बीच में। ठीक, देन आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड जी लिव इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द वंस ऑन विच ई एंड एच लिव।
ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्लोर्स यानी कि एफ और जी के बीच में जितने फ्लोर्स होंगे वो इक्वल हैं किसके, ई e और एच के फ्लोर के। प्लस यहाँ पे ये भी कह रहे हैं एंड द गैप इज मोर देन वन फ्लोर, आपका जो गैप है वो मोर देन वन फ्लोर है, एक फ्लोर से ज्यादा का गैप है। सो एक फ्लोर से ज्यादा का गैप है यानी कि आप इस पे क्या लिख दोगे, खाली वन प्लस लिख दोगे। ओके, देन बी इज लिविंग इन बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड ई लिव सच दैट नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन बी एंड डी आर लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन बी और E। देखो इसको आप डायरेक्ट इसमें फिक्स कर सकते हैं, इन्होंने ये कहा है कि डी और ई के बीच में आपका बी आएगा और इस तरीके से आएगा कि बी और डी के बीच में जितने फ्लोर हैं वो फ्लोर कम रहेंगे किसके, बी और ई के बीच में, राइट। तो क्या हो सकता है कि अगर आपका बी यहां पर आ सकता है, ठीक, दूसरी कंडीशन में आपका बी यहां पर आ सकता है, तो आप देखोगे ये जो फर्स्ट कंडीशन है इनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, बी और ई के बीच में तीन का गैप है, इस कंडीशन में डी और बी के बीच में एक का फ्लोर का गैप है और यहां पर बी और ई के बीच में दो फ्लोर का गैप है, राइट। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहां पर आपका बी आ जाएगा और इस कंडीशन में बी यहां पर आएगा, ठीक। तो ये आपकी चार पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। देन अब इन तीन पॉइंट्स को फिक्स कर लेते हैं, ये तीन पॉइंट्स जो हैं यही काफी हिलाने वाले पॉइंट्स लग रहे हैं क्योंकि इसमें पर्सन का चल रहा है। तो बी और एफ के बीच में दो पर्सन है, सो बी और एफ के बीच में दो पर्सन है, तो इस फर्स्ट कंडीशन में देखोगे तो ऊपर की तरफ तो आप दो पर्सन का गैप दे नहीं सकते, राइट। नीचे की तरफ आप दो पर्सन का गैप देते हो, तो अगर आप इन तीन में कहीं भी वैकेंट देते हो, राइट, इन तीन में अगर कहीं भी वैकेंट दे देते हो तो आपका जो एफ है वो कहां पर आएगा, एफ आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वैकेंट यहां होता है तो वन एंड टू का गैप करके आप एफ यहां नहीं लिख सकते, यहां होता है तो वन एंड टू का गैप करके आप एफ यहां नहीं लिख सकते, यहां वैकेंट होता है तो वन और टू का गैप करके आप एफ यहां पर नहीं लिख सकते। तो बेसिकली इन तीनों ही जगह पे आपका जो वैकेंट है वो नहीं आएगा, तो यहां पे आपके दोनों पर्सन आएंगे और एफ जो है वो यहां पर आ जाएगा, राइट। इस कंडीशन में आ जाओ तो सेम कंडीशन है ये भी इसके जैसी, तो वन एंड टू का गैप करके आपका एफ यहां पर आ जाएगा। ओके, अब इस कंडीशन में आप देखोगे तो अगर इसमें आप एक जगह वैकेंट दे देते हो, मान लो यहां पर वैकेंट दिया, तो आपने वन और टू का गैप करके आप एफ यहां पे लिख सकते हो, राइट। या फिर अगर मान लो वैकेंट इन दोनों में से किसी को नहीं भी दिया तो वन एंड टू का गैप करके आपका एफ यहां भी आ सकता है। ओके, तो इसको में आप कुछ नहीं करोगे, एफ बस दोनों जगह लिख दो। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो एफ है वो ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, तो वन और टू का गैप करके तो डायरेक्ट एफ आ नहीं सकता, यानी कि इन दोनों में से कोई ये क्या होगा, वैकेंट होगा, तो एफ आपका यहां पर आ जाएगा। ओके, तो इसको आप हटा दोगे। फिर देखते हैं इनके ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको सेटिस्फाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात कही गई है। ज्यादातर आप उन पॉइंट्स को पिक करा करो जहां पे फ्लोर की बात कही जाए। तो एफ और जी के बीच में आपका एक से ज्यादा का गैप आएगा और सेम आपका उतना ही गैप ई एंड एच के बीच में आएगा, राइट। तो यहां पर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक से ज्यादा का गैप यानी कि आपका जी जो है वो यहाँ तो आ नहीं सकता, राइट, नीचे की तरफ, क्योंकि एक का गैप है। दो का गैप आप देते हो तो वन एंड टू का गैप करके आपका जी यहाँ नहीं आ सकता, और अगर आप जी को यहाँ लिखते हो तो वन टू थ्री फोर का गैप होगा। जब फोर का गैप होगा तो ई और एच में भी फोर का गैप चाहिए, तो क्या आप ये गैप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी, राइट। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे गिवन है कि आपका एटलीस्ट वन का गैप होगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, मोर देन वन का है, सॉरी नॉट एटलीस्ट वन, इट्स मोर देन वन, ठीक है, मैं ठीक चल रही थी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि ऐसा एटलीस्ट वन तो नहीं है क्योंकि पिछली वाली में आई थिंक एटलीस्ट था कुछ। हाँ, तो यहाँ पर आपका मोर देन वन है यानी कि मिनिमम आपको दो चाहिए, तो मिनिमम दो, वन एंड टू का गैप लोगे तो जी यहाँ पर आ सकता है, और ऊपर की तरफ चलोगे तो वन एंड टू का गैप करके आपका एच यहाँ आ सकता है, ठीक। तो ई और एच के बीच में दो का गैप हो गया, एफ और जी के बीच में दो का गैप हो गया, और कोई कंडीशन तो कंप्लीट नहीं हो सकती ना, बस यही कंप्लीट हो सकती है, तो उसको आपने कंप्लीट कर दिया। इस कंडीशन में आप देखोगे तो वन एंड टू का गैप करके जी यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर यहाँ पर आप वन टू थ्री का गैप करते हो तो जी यहाँ आ सकता है, और वन टू थ्री का गैप करते हो तो एच यहाँ पर आ सकता है, राइट। फोर का गैप तो दे नहीं सकते बिकॉज फिर एच नहीं आ पाएगा, ई और एच का जो गैप है वो नहीं हो पाएगा। ओके, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला एफ जो है इसे हटा दोगे बिकॉज ऊपर वाले एफ को हमने लिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन और ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपने जो एफ है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक,
तो वन एंड टू का गैप करके जी यहाँ आ सकता है, तो वन एंड टू का गैप करके क्या एच आ सकता है? नहीं आ सकता है, राइट। तो अगर आप वन टू थ्री फोर का गैप करते हो तो जी यहाँ पर, और वन टू थ्री फोर का गैप करते हो तो क्या एच आ सकता है? नहीं आ सकता है, यानी कि आपका एफ जो है वो नीचे रह के ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, इस कंडीशन में आपका एफ फिक्स है, ओके। दो वन एंड टू का गैप करते हो तो जी यहाँ पर आ रहा है, तो वन एंड टू का गैप करके क्या आप एच लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, है ना। और अगर आप ज्यादा का गैप देते हो, लाइक वन टू थ्री का गैप या फोर का गैप करके जी यहाँ लिखते हो, तो क्या आप ई और एच में फोर का गैप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, इसलिए ये कंडीशन भी यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक। तो बेसिकली आपके दो डायग्राम यहाँ बचेंगे, तो इसको आप हटा दोगे, अब इन दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम ऐसा बनेगा जिससे ये कंडीशन जो है वो कट हो जाएगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं आपका कि बी और वैकेंट के बीच में आपका जो बी और वैकेंट के बीच में जितने पर्सन आएंगे उससे ज्यादा आपका बी और ए के बीच में आएंगे, तो यहां पर आप वैकेंट कर सकते हो, यहां पर आप ए कर सकते हो। तो अब आप देखोगे बी और वैकेंट के बीच में आपका एक का गैप है, एक का गैप है, जबकि बी और ए के बीच में आपका ज्यादा का गैप है, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे इस कंडीशन में, तो यहाँ पर अगर आप वैकेंट करते हो तो यहाँ पर आपको ए जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, ओके। कोई लाइन आई थिंक मिस हो रही है। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर जो वैकेंट है ये वैकेंट नहीं दे सकते, ये जो गिवन है बी और एफ के बीच में आपका दो पर्सन का गैप आएगा, सो वैकेंट आप यहाँ पे नहीं दे सकते, बिकॉज इस हिसाब से आपका बी और एफ के बीच में खाली एक ही पर्सन रह जाएगा, तो इसलिए ये वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे कट हो जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी, हो सकता है कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल आए जब मैंने यहाँ पे वैकेंट को नीचे दिया और ए को नीचे, ए को उसके नीचे दिया, तो कई लोग जो मेरी वीडियोज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो ये सोच सकते हैं कि मैंने कई बार ऐसा कहा है कि जब आपकी इस टाइप की कंडीशन आती है ये वाली, तो इसमें आपका जो सेम वेरिएबल होता है उसे बीच में रखना होता है। देखो इस कंडीशन के लिए मैंने नहीं कहा है, किस कंडीशन के लिए मैंने कहा है? उस कंडीशन के लिए, मान लो बी और ए के बीच में जितने फ्लोर आ रहे हैं उतना ही बी और वैकेंट के बीच में आए, तब आपका बी जो है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा एक्स और ए के बीच में। ध्यान रखिएगा ये बात तब की है जब दोनों के बीच में आपका इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हो, अगर कोई एक ज्यादा और एक कम हो तो आपकी कंडीशन, ये जरूरी नहीं है कि आपका एक ऊपर एक नीचे हो, दोनों नीचे या दोनों ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया, अगर कई लोग मेरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं तो उनके मन में इंक्वायरी आ सकती है, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो के संग आपको ये बताती चलूँ, ठीक। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अगर किसी के मन में डाउट है तो, और अगर आपके मन में ये डाउट आया है तो रियली आप बहुत ही अच्छी मतलब स्टडी कर रहे हो, क्योंकि डाउट भी वही होता है जब आप किसी चीज को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हो, ओके। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन सा फ्लोर वैकेंट है? सो थर्ड फ्लोर वैकेंट है, ऑप्शन नंबर टू। एच कौन से फ्लोर पे है? सो एच है यहाँ पे सिक्स फ्लोर पे, ऑप्शन नंबर फोर। एंड फाइंड ऑड वन आउट, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें ऑड क्या है। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड इस वीडियो को प्लीज शेयर करना ना भूलें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें, एंड यहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप बाकी की जो सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।